गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ लोकेश। हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर, हमारी फोर्थ यूनिट चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार के अंदर हमने देखा था अभिक्रिया वेग होती है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक की बात की थी हमने, औसत वेग, दूसरा होता है ताक्षणिक वेग, और नंबर तीन प्रारंभिक वेग। सबसे पहले हमने बात की थी औसत वेग की। हमने ज्ञात किया था कि औसत, हमने देखा था कि औसत वेग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। वहाँ तक हमने एक न्यूमेरिकल देखा था कि न्यूमेरिकल था हमारा कि रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, आरपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, आरपी अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था आर की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है 0.03 से घटकर 10 मिनट में 0.02 रह जाती है। तो अभिक्रिया का 25 मिनट में 0.02 रह जाती है, तो अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करिए। तो हमने यहाँ पे देखा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आर एवरेज हमने ज्ञात किया था, या फिर औसत वेग हमने ज्ञात किया था। और औसत वेग ज्ञात किया था तो रिएक्टेंट के लिए हमने देखा था नंबर एक R1 का मान रखा था 0.03 m, और R2 का मान रखा था 0.02 m, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर टाइम लिया था वो था 25 मिनट, और जो 25 मिनट लिया था क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था इसका जो मान था वो मिनट और सेकंड में ज्ञात करना था, और उसको हमने मिनट और सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। यहाँ तक हमने बात की थी। देखिए, हम अब इसके अंदर आज नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और आप सब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे, और उसके आगे भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल बन के आता है यहाँ से औसत वेग से करीबन 1 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है, उसको हमारे को सॉल्व भी करना पड़ता है, और बहुत अच्छा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन के आता है। बस हमारे को समझना पड़ता है इसके अंदर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे को सॉल्व किस प्रकार से करना है, बस ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद में हम देख लेते हैं। देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन बताना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर मोटिवेशनल लाइन की बात की है। अब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, और ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पहले हमने बोर्ड एग्ज़ाम देखा या फिर ना देखा इस बार, और जो हमने पढ़ाई की 8वीं क्लास पास की, 9वीं क्लास पास की, क्लास 1 से पढ़ते हुए आए, और 10th क्लास पास की, और उसके बाद में 11th क्लास पास की, और अब हम 12th क्लास के अंदर आ गए। और ये जो 12th क्लास, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम होता है बड़ा टिपिकल होता है, और अब हमारे को 12th पास करना है, तो ऐसे समझो एक सीडी है, हम हर साल एक सीडी हम पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये 12 नंबर की हमारी जो सीडी है बड़ी टिपिकल होती है, और इसको हमारे को बहुत शालीनता से और बहुत अच्छे से हमारे को क्लियर करनी होती है। जो हम ये 12th क्लास की जो सीडी होती है इसको हम क्लियर करते हैं, तो इसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा जुनून ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होना चाहिए, बहुत अच्छा जुनून होना चाहिए। और जब जुनून अच्छा होगा तो ही हम इस 12 नंबर की जो सीडी होती है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसी के साथ देखिए, मोटिवेशनल लाइन के साथ, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर,
यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इस मोटिवेशनल लाइन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और अब हम हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन औसत वेग का सॉल्व किया था, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू ए और ये है प्रोडक्ट, ठीक है, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया में ए की सांद्रता 10 मिनट में जीरो पॉइंट फाइव मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर 4 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। हमारी अभिक्रिया है 2A और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है 2A और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये अभिक्रिया है, ठीक है। A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी रह जाती है, 0.4 मोल प्रति लीटर, कितने मिनट में, 10 मिनट के अंदर। देखिए, रिएक्टेंट R1, यहाँ पे हम A1 ले सकते हैं या फिर R1 ले सकते हैं। पहले कितनी थी, 0.5 मोल प्रति लीटर। R2 कितना है, 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। टाइम कितना है, समय या टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर, या डेल्टा टी, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी, कितना दे रखा है, 10 मिनट, ठीक है। हम सब ये जानते हैं, हमने देखा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो भी अभिक्रिया होती है उसके लिए औसत वेग ज्ञात करते हैं। तो औसत वेग के लिए हमने देखा था क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। औसत वेग बराबर क्या होता है, आर एवरेज। औसत वेग बराबर क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस, ये रिएक्टेंट है, इसकी सांद्रता के अंदर कमी आती है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और इसके अंदर 1/2 और डेल्टा ए, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय।
क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर एवरेज बराबर 1 - 1/2। यहाँ देखिए आर टू माइनस आर वन अपॉन डेल्टा टी, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसका मान लिखेंगे हम आर एवरेज बराबर 1/2। आर टू का मान कितना है यहाँ, 0.4 मॉल प्रति लीटर, 0.4 मॉल प्रति लीटर, माइनस इसका आर वन का मान 0.5 मॉल प्रति लीटर, और समय कितना है यहाँ, ये तो है आर टू माइनस आर वन, और ये समय हमारा दे रखा है यहाँ पर कितना है, 10 मिनट। समय दे रखा है कितना, 10 मिनट। देखिए ये है 10 मिनट। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आर एवरेज बराबर आएगा 1 - 1/2 इंटू, यहाँ आएगा माइनस का 0.1 और ये क्या है, 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस और ये माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये 2 × 10 20 हो गया, ये 20, 1/20। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1/20 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 10⁻³ मॉल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये देखो हमने मिनट के अंदर लिखा है, ये मिनट के अंदर दे रखा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 10⁻³ मॉल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये हमारा क्वेश्चन था और जिसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। हमने देखो यहाँ पर इसको इसके एक के अंदर भाग दिया, नहीं गया, फिर हमने शून्य उतारी, फिर भी नहीं गया, फिर हमने शून्य उतारी, तो कितने बार गया, 5 बार गया। ठीक है ना, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है 5 × 10⁻³ मॉल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हमारे को इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है, बिल्कुल अच्छे से हमारे को सॉल्व करना होता है। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। थैंक यू।